हेलो नमस्कार दोस्तों, फटाफट से जानेंगे देश के सभी राज्यों का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम काल कैसा रहने वाला है, यानी कि कहां पर बारिश होगी और कहां पर आंधी तूफान आने की। मौसम विभाग ने भयंकर बारिश चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कई राज्यों में आज भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, मेघालय और उड़ीसा, इन सभी राज्यों का मौसम काल कैसा रहने वाला है। एक एक करके सभी राज्यों का मौसम का हाल विस्तार रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो लाल वाला बटन है इसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास वाला बेल आइकन है इसको जरूर से दबा दीजिएगा। और यहां नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने राज्य, जिले, क्षेत्र, अपने गाँव का नाम, जहां पर आप रहते हैं, कमेंट करके सही से इसे जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। तो फटाफट से जानते हैं मौसम का कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के तापमान में दिन और रात में जो है धीरे धीरे वृद्धि होने वाली है। वहीं पूर्वोत्तर अरब सागर, गुजरात के उत्तरी भागों, दक्षिण पश्चिमी और बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के साथ साथ अंडमान सागर के ऊपर भी मध्यम से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन इलाकों में हवा की गति भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक के बीच की हो सकती है, जबकि केरल, दक्षिणी आंध्र, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की पूरी संभावनाएं जताई गई है। जबकि आज पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम हिमालय के कुछ हिस्सों में, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ सहित ओडिशा के एक या दो हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। जबकि कल के लिए मौसम विभाग ने बताया है कि कल पश्चिमी हिमालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में बारिश होने की गतिविधियां कम होने की संभावना है, जबकि कल ही दक्षिण छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश सहित केरल, दक्षिणी कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और तेलंगाना, कोंकण और गोवा सहित पूरे राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश होने की पूरी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। इसके अलावा दोस्तों, बात कर ली जाए कि देश भर का मौसम सिस्टम क्या कहता है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तरी पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। यह पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रेरित हवाओं का क्षेत्र भी है जो अब उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जबकि एक उत्तर दक्षिणी ट्रफ रेखा है जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बने हुए चक्रवाती परिसंचरण से उत्तर पूर्वी अरब सागर की ओर चल रही है, जबकि एक और निम्न दबाव की रेखा उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बने हुए चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमालय, पश्चिम बंगाल से गुजरती हुई उत्तरी बांग्लादेश तक की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, बात कर ली जाए कि बीते 24 घंटों के दौरान संपूर्ण भारत का मौसम कैसा रहा, यानी कि कहां पर बारिश हुई और कहां पर आंधी तूफान आया है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश हुई है। वहीं केरल, दक्षिण पश्चिम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ ही बौछारें हुई है और ओलावृष्टि के साथ ही बिजली की चमक भी देखी गई है। इन राज्यों के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज हवाएं भी चली है बीते 24 घंटों के दौरान। वहीं दोस्तों, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा और पूर्वोत्तर बिहार के एक या दो हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई, जबकि कोंकण और गोवा, तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में, पश्चिमी बंगाल में, झारखंड और मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूरी भारत में दिन और रात के तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है बीते 24 घंटों के दौरान। तो दोस्तों, यह था संपूर्ण भारत का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का पूर्वानुमान। अभी आपके क्षेत्र का मौसम कैसा और आप किस क्षेत्र से हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जरूर से कर देवें और इस चैनल पर नए तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देवें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।